कृष्ण जी महाराज कहो के इस कलयुग की पहचान रे सब हाल सुना तू सुने अर्जुन कर ध्यान रे सब हाल सुना तू सुने अर्जुन कर ध्यान रे कृष्ण जी महाराज कहो के कलयुग की पहचान सब हाल सुना तू सुने अर्जुन कर ध्यान ओ सब हाल सुना तू सुने अर्जुन कर ध्यान तंग होंगे सुल्फा गंजारत दारू पी के हाँ? मानस मती भंग होंगे मर्द मी की पेश पड़ना हाँ? गोलियों से जंग होंगे मर्द मी की पेश चलेना गोलियों से जंग होंगे काली रतन काया आपस में चलिया ये रिवाज होगा अब जैसी हकूमत ना रहे हा? बिना ताज के राज होगा चिड़ियों के पंदे मेरे अर्जुन पस्या हो या बाज होगा चिड़ियों के पंदे मेरे अर्जुन पस्या हो या बाज होगा अरे तका बाज हाक में होगा ले पैसे बक्से जान सब हाल सुना तू सुने अर्जुन कर ध्यान ओ सब हाल सुना तू सुने अर्जुन कर ध्यान धन्यवाद जी जमाना होगा कमजोरी उत्पन्न हो जा जब हाँ? डाल डाक खाना होगा ओ बच्चे पाम पिक्चर में योर पढ़ने का बहाना होगा बच्चे पाम पिक्चर में और पढ़ने का बहाना होगा जनसंख्या बढ़ जाए गनी फिर पर जा बेरोजगार होगी सभी तरह के मानस होंगे हा? ना दुनिया एक सार होगी पंच लफंगे बन जावेंगे समझनिया की हार होगी पंच लफंगे बन जावेंगे समझनिया की हार होगी पंच लफंगे बन जावेंगे समझनिया की हार स्वार्थ का जमाना होगा कमजोरी उत्पन्न हो जा जब डाल डाक खाना होगा बच्चे पावे पिक्चर में और पढ़ने का बहाना होगा हाँ बच्चे पावे पिक्चर में और पढ़ने का बहाना होगा गाना रहा होगा गंदे पढ़ का दूर डरा रह ज्ञान सब हाल सुनाओ सुने साथियों एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जिस देश में बड़े प्यार से कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में सब भाई भाई, भाई, भाई। और वाकई ये बात बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूं मैं सभी का गुणी और विद्वानों ने मुझे सभी ने आशीर्वाद दिया मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं साथियों
मन में एक तीस लगती है भाई, जो यहाँ पर हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, और हो सकता और अलादा धर्मों को मानने वाले भी हों। मैं सभी के धर्मों की मान और मर्यादा इज्जत करते हुए एक बार अपने उन भाइयों से जानना चाहूंगा कि जो गौ माता के नाम की कोई रोटी टुकड़ा अपने घर में निकालते हैं, कोई निकालता है यहां से? आपका कसूर नहीं है। पहले अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, अपनी मातृ शक्ति से कहना चाहूंगा कि कितना फर्क था बाबू जी। पहले ये हमारी माता बहने जो पहली रोटी निकाला करती थी, वो रोटी पहली रोटी थी गौ माता की, और जो बाद की रोटी होया करती थी उसको कुत्ते के लिए निकाल कर रखे थे। सही कह रहा हूं, बड़े बूढ़े जानते हैं। और अब उल्टी रीत बन गई जी। ये माता बहन जो पहली रोटी गौ माता की थी, उस गौ माता वाली रोटी को तो खसम में खिला दें तो वो खसम तो बन गया गौ, और जो लास्ट वाली कुत्ते वाली रोटी उसे खुद खा जाए फिर भू भू करें दिन भर। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप और हम हिंदू हैं, अगर आप और हम सनातन धर्म को मानते हैं, तो गौ माता की सेवा करनी पड़ेगी। जिसने गौ माता की सेवा नहीं की भाइयों बेकार है जीना। आइए किस तरह से कह लिख दिया अंतिम बात। हाँ चाय की घोट होगी, भाई का सर भाई काटे आपस के में फूट होगी, भाई का सर भाई काटे आपस के में फूट होगी। दबा मिले लड़को है से फिर फैलिया ऐसा रोग होगा, एक भाई त्योहार मना बे एक के घर में रसोक होगा, ए संत पखंडी रे बन जावेंगे ए नागुणियों का योग होगा, संत पखंडी बन जावेंगे नागुणियों का योग होगा, परेशान होगा कलयुग में तो सच्चा इंसान। सब हाल सुना दूं सुने आर जो ने कर जा, सब हाल सुना दूं सुने से। तो भाई मेरे जो भाई, मेरे चाचा ताऊ, मेरे बड़े बूढ़े, मेरी माता और बहनें बैठी, भाई रागनी में लग रहा है कि आपकी समझ तक पहुंच रही है मेरी बात। एक बार तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चौथी बात में सजनों लिख दिया कि इस कलयुग काल में एक बीमारी और लग जाएगी। मैं यहां देख रहा हूं, यहां तो नहीं है वो बीमारी, शहरों में ज्यादा है। लड़के इतने इतने लंबे बाल रखे हैं, यूं ही नहीं पता कि लड़का है कि लड़की है, और अब तो कुछ लड़कों ने तो इतनी हद पार कर दी, बाल तो लंबे हैं कोई बात नहीं, यहां कान भी बिंदवा लिए है ना, हाथ में चूड़ी पहन ली, यूं कह फ्रेंडशिप बैंड है। अब तो उन नौजवानों से इतना ही कहूंगा जिन्होंने बाल बड़े बड़ कर रखे हैं, जिन्होंने यहां कानों में भी बिंदवा रखे हैं और नाक में भी आड़ी तिरछी फैल लें, वो उनकी तो इतनी गुंजाइश रही है कि अगर थोड़ा सा सिंदूर लेके मांग भरनी शुरू कर दे तो किसी का गांव में घर बस जाएगा। देवेंद्र भाई कहने का मतलब एक बात और उड़ लगी है। हाँ, अब तो लड़के चुटिया भी बांधने लगे। हाँ, चुटिया भी बांधने लगे। अंतिम बात में, चौथी बात में, वो ब्रह्म कवि आज हमारे बीच नहीं है, स्वर्ग में बैठे आनंद ले रहे हैं। गुरु जी जयकरण जी ने किस प्रकार से अंतिम बात में लिखा, एक एक शब्द सुनते हैं। हाँ
कठिन सगाई रे करनी हो जा जब बेटे का मोल होता नीचे लोहारा ऊपर सोना मामूली सजोल होगा हाँ नीचे लोहा ऊपर सोना मामूली सजोल होगा तेरा बेटी की शादी मेरे भी पिता गरीबों ने भरनी होगी बहुओं की गुलामी इनकी हाँ? सासुओं ने करनी होगी जयकरण समय की बात चार काल धरनी होगी जयकरण समय